हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं। तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ सही विकल्प चुनिए। इसमें से पहला दिया हुआ क्वेश्चन लैंगिक ससर्गजन रोग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एड्स। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक एक्स गुणसूत्र की हानि से स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ नर युग्मक एंड रुंड अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा युग्मनज। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसवा। दोस्तों, हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको इसकी पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगी, आपको किस प्रकार से डाउनलोड कर लेनी है। तो वीडियो को इसको लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है औकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवन को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ जब दो विपरीत लिंग जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो यह किस प्रकार का जनन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों परागण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नर युग्मकोद्भिद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण, तो इसका उत्तर हो जाएगा केचुआ, जोक उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला दिया हुआ है शुक्राणु का पोषण किसके द्वारा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्टोली को। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडावाहिनी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यूरेलिस किस नाभिकीय अम्ल में पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आरएनए में। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ प्रारंभिक एडॉन का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा AUG। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें upvo.live, तो वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे फ्रेंड्स। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोवेरी एवं सरू। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 100 प्राथमिक ओवोसाइट से कितने अंडाणु बनते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा एंड्रोजन हार्मोन किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लीडिंग कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 8400400400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउट का 8400400400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक अभावी फल का नाम, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेब नाशपाती। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ रिक्त स्थान भरो। पहला दिया हुआ है भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने के लिए बनी संरचना कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका एम्पुला। दूसरा दिया क्वेश्चन मेंडल ने वंशागति के कुल नियम प्रतिपादित किए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दिया हुआ है बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया कहलाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिषेक फल। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बीजांड विकसित होकर बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ ZIFI का पूरा नाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जायगोट डेंट्राफोलियन ट्रांसफर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा मोनोसिट्रोनिक जीव यूकेरियोटिक जीवा में पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आरएनए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा सही जोड़े बनाइए। पहले का हो जाएगा ल्यूकीमिया, दूसरे का एक्रोसेम का हो जाएगा शुक्राणु, तीसरा का हो जाएगा 1:3 का हो जाएगा एक संकर क्रॉस, मादा जनन अंग का हो जाएगा जैंग,
वैसेक्टोमी का हो जाएगा पुरुषों में जन्म नियंत्रण विधि, ड्यूबेक्टोमी का हो जाएगा मादाओं में जन्म नियंत्रण विधि, डेमोग्राफी का हो जाएगा जनसंख्या अध्ययन, मादा युग्मनज का हो जाएगा एक्स गुणसूत्र। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा भ्रूण पोष किसे कहते हैं। कुछ पौधों में विशेष प्रकार की खास संग्रह के लिए रचना पाई जाती है जिन्हें भ्रूण पोष कहते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लैंगिक जनन किसे कहते हैं। जब दो युग्मक की आवश्यकता जनन के लिए होती है ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है तथा इसमें निषेचन की क्रिया आवश्यक होती है। यानी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हीमोफीलिया क्या है। यह एक अनुवांशिक रोग है जिसके शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त बहता नहीं है जिससे चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा होता है क्योंकि इस रक्त का बहना देर में बंद होता है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों एक्रोसोम के दो कार्य लिखो। पहला दिया हुआ यूरेनियम स्तनधारी में एक्रोसोम में अपक्षयी एंजाइम होता है। यही एंजाइम डिंब के बाहरी झिल्ली को तोड़ देता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एक्रोसोम शुक्राणु कोशिका में अणुगित नाभिक में अंडाशय में हैप्लोइड नाभिक से जुड़ने की अनुमति देता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को ही चुना क्यों। दोस्तों सारे इसका आंसर दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया दिवशंकर क्रॉस क्या है, समयुग्मनजी क्या है। दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है MTP से क्या समझते हैं, यूक्रोमेटिन से आप क्या समझते हैं, बैंगिंग से आप क्या समझते हैं, बीजांड की संरचना का चित्र बनाइए, शुक्राणु जनन एवं अन्य जनन में तीन अंतर लिखिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने, क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए, मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया रेखा चित्र सहित लिखिए, DNA अंगुली छापन क्या है उपयोग लिखो, स्वपरागण व परपरागण में अंतर लिखो, DNA RNA में पाँच अंतर, जीन से आप क्या समझते हैं, विशेषताएँ लिखिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने हैं। आपके बोर्ड एग्जाम त्रैमासिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।